नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दुबई में चल रहे एक्सपो 2020 में ओमान में निर्मित बसों का उपयोग किया जा रहा है। बसें दुक्कुम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित कारवा मोटर्स द्वारा बनाई गई हैं और पहली बार ओमान के बाहर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कारवा मोटर्स से बसों का उपयोग ओमान पवेलियन के आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने और ओमानी उद्योगों के लिए विभिन्न अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयास के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इंडियन स्कूल फिल्म फेस्टिवल 2021 का तीसरा संस्करण छात्रों की बढ़ती क्षमता को चैनलाइज करने और ओमान में भारतीय स्कूलों के निदेशक मंडल द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन स्कूल माबेला ने इस वर्चुअल समारोह का उद्घाटन 17 फरवरी 2022 को किया, जो इसकी मेजबानी भी कर रहा है। एक्सपो 2020 दुबई के अल फोरसान पार्क में शुक्रवार को एक समारोह में एफिल टावर की ओरिजिनल सीढ़ी के एक हिस्से का अनावरण किया गया। एक्सपो 1889 पेरिस में इस सीढ़ी के हिस्से का उपयोग फ्रांस के प्रतिष्ठित एफिल टावर के शीर्ष पर चढ़ने के लिए किया गया था। 4 साल बाद सीढ़ियों को लिफ्ट में बदल दिया गया। नई यात्रा और डिस्कवरीज की भावना का जश्न मनाते हुए सीढ़ी को एक्सपो 2020 दुबई में जन्नत पेरिस द्वारा लाया गया है। यह एक टी हाउस नाम का कैफे है जिसने एफिल टावर के उद्घाटन पर अपने फूड एंड बेवरेजेस ऑफर किए थे। बहरीन में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और जनता तक पहुंचने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की गई है, मेडिक इन एवरी होम। उन 3 इनोवेटिव आइडियाज में से एक था जिसे गवर्नमेंट इनोवेशन कॉम्पिटिशन के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया। यह इनोवेटिव आइडिया क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हम्माद अल खलीफा के निर्देशों द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। आज के खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।